नमस्कार दोस्तों, मैं शिवी शर्मा अपने YouTube चैनल पर आप सभी भाइयों का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, खाने के तेलों के दाम क्यों बढ़ रहे हैं इतना। क्या इसके लिए सरकार जिम्मेदार है या फिर इकोनॉमिक्स के रूल्स के मुताबिक डिमांड बढ़ जाना, सप्लाई की कमी होना, ये इसका जिम्मेदार है। तो आज की वीडियो में जानेंगे पाँच कारण जिनकी वजह से खाने के तेलों के दाम बढ़ रहे हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो करंट इवेंट्स और फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे देश में तेल का जो कंजप्शन है वो पिछले कुछ सालों के मुकाबले अब बहुत बढ़ चुका है। तो कुछ आंकड़ों के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, 2004 और 5 में हमारे यहाँ जो तेल की खपत होती थी पर कैंडिडेट, वो होती थी 650 ml। यही 2011-12 में बढ़कर हो गई 850 ml, यानी कि पर कैंडिडेट 2011-12 में एक महीने में 850 ml तेल का इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन अगर आज एक महीने में एक व्यक्ति लगभग 1.5 लीटर तेल यूज कर रहा है, यानी कि 2011-12 से ही यह लगभग 2 गुना हो चुका है। तो पहला तो ये हुआ कि कंजप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसकी वजह से रेट बढ़ रहे हैं। नंबर दो कारण की बात करें तो नंबर दो कारण में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में जो ऑयल का कंजप्शन होता है खाने के तेल का, वो होता है 24 मिलियन टन और इसका प्रोडक्शन होता है केवल 10 मिलियन टन। क्योंकि इसका प्रोडक्शन गिर गया है, दूसरा कारण ये है इसका पैसे बढ़ने का। और 10 मिलियन टन प्रोडक्शन होने की वजह से हमें विदेशों से लगभग 56% तेल इम्पोर्ट करना पड़ रहा है। तो इंपोर्ट करके कोई चीज हम अगर यूज करेंगे तो उसका तो पैसा ज्यादा देना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं कि इंपोर्ट किया जाने वाला तेल कौन सा है। सबसे ज्यादा इंपोर्ट किया जाने वाला तेल है पाम ऑयल। पाम ऑयल जो कि कुछ छोटे कंट्रीज में बहुत सस्ता मिलता है, जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, इन कंट्रीज में ये पाम ऑयल बहुत सस्ता मिलता है, तो यहाँ से हम लोग परचेज करते हैं। लेकिन इन कंट्रीज में क्या हो रहा है, मलेशिया में तो लेबर क्राइसिस चल रहे हैं, लेबर हड़ताल पे है, उसकी वजह से थोड़े प्राइस बढ़ गए। दूसरा कारण एक और है, इन छोटे देशों को जो पेट्रोल डीजल है वो बहुत महंगा पड़ रहा है, इस वजह से इन्होंने एक नई टेक्निक से बायोडीजल बनाना शुरू किया है। जो बायोडीजल हमारे देश में भी बन रहा है, तो इन्होंने भी बायोडीजल बनाना शुरू किया है, उसमें ये पाम ऑयल का यूज करते हैं। क्योंकि पाम ऑयल इनके यहाँ बहुत सस्ता है, पेट्रोल डीजल महंगे, इसलिए ये बायोडीजल बना रहे हैं उस पाम ऑयल से। तो पाम ऑयल को ये बायोडीजल में यूज कर रहे हैं, एक कारण इसका ये भी हो गया। नंबर चार कारण आता है कि हम जो चाइना है, चाइना ने क्या शुरू किया है अभी कि जो ऑयल है एडिबल ऑयल उसका परचेज बढ़ा दिया है, यानी कि जितनी उसको जरूरत है उससे भी ज्यादा चाइना परचेज कर करके अपने पास स्टॉक रख रहा है ऑयल का। और लास्ट में बात करते हैं कि जो ये छोटे कंट्रीज हैं, इंडोनेशिया हुआ, मलेशिया हुआ, कोरोना की वजह से इनके इनकम पर बहुत असर पड़ा है गहरा। तो ये इनकम बढ़ाने के लिए अपनी इन्होंने एक्सपोर्ट पर चार्ज बढ़ा दिए। अब एक्सपोर्ट पर चार्ज बढ़ गए तो तेल ऑटोमेटिकली महंगा हो गया, तो देशों को महंगा खरीदना पड़ रहा है। और इन्होंने एक्सपोर्ट के चार्ज इसलिए बढ़ाए कि तेल खरीदे बिना तो रहेंगे नहीं, खाना कोई छोड़ेगा नहीं, तो ज्यादा टैक्स बढ़ा दो तो ज्यादा पे करके जाएंगे। एक कारण ये हो गया। तो पांच कारण मुख्य मैंने बताए आपको, पहला हमारे देश में ऑयल का कंजप्शन बढ़ना, दूसरा कारण इसका प्रोडक्शन बहुत कम होना, तीसरा कारण इससे बायोडीजल बनना, चौथा कारण चाइना का बहुत ज्यादा स्टॉक करना, पांचवा कारण देशों के द्वारा एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देना। अब बात करते हैं इनके जो इलाज है इसका, कि कैसे इसके प्राइस कम हो। तो हमारे देश में पहले एक क्रांति हुई थी, पीली क्रांति, येलो रिवॉल्यूशन। उसमें तेल के जो ऑयल सीड्स हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। तो आज भी हमें उस क्रांति को दोबारा शुरू करने की ज़रूरत है और अपने किसानों को जो ऑयल सीड्स हैं उनको उगाने के लिए ज़्यादा प्रेरित करना चाहिए। यानी कि कुछ वर्षों के पिछले वर्षों के अनुसार हमारे देश में जो ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन करते थे किसान, वो भी कम हो गया है।
इस वजह से ही प्रोडक्शन कम हो पा रहा है। तो यही इसका एकमात्र बचाव है कि देश में प्रोडक्शन होना चाहिए ऑयल सीड्स का ज़्यादा से ज़्यादा। हमारे देश में अभी फिलहाल गेहूं और चावल का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है जो हमारे देश को एक्सपोर्ट करना पड़ता है। अब हमें ये करना है कि गेहूं चावल के प्रोडक्शन को थोड़ा कम करके ऑयल सीड्स भी अपने देश में बढ़ानी चाहिए और इस पर ध्यान देना चाहिए और आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद।